बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं एक फैन डिमर को लगाने का जो तरीका कार है वो क्या है, और सबसे आसान जो तरीका कार है वो क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको लगाएंगे आपको बताते हैं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज के बदलते मौसम के जो पेश नजर है वो ये चीज है कि हम इसको जो है ना रिप्लेस करना चाहते हैं। ये पहले जो है ये खराब हो चुका है, ये कम ज्यादा डिम्बर नहीं करता। अक्सर आपके घरों में भी ऐसा ही होता है कि जो डिमर है वो या तो बंद हो जाता है कम करने पे, या तो वो आप तेज हो जाता है, अगर थोड़ा तेज करें तो वो फुल्ली तेज हो जाता है, तो वो डिमर खराब हो जाते हैं। कोशिश करनी कोई अच्छा सा डिमर आप मार्केट से परचेज करें और आप उसको लगाएं, खुद लगाएं, क्योंकि किसी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का वेट करने से बेहतर आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे घरों में ये चाइना फिटिंग लगी होती है, इसको जोर दे के आपने ऐसे इसको आराम से खोल लेना, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना इसके दो ये जो पेज लगे हुए हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये आपने खोल लेने हैं, ठीक है? तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने करना ये करना है कि जब भी इलेक्ट्रिक का काम करें तो आप अपने जो घर की जो मेन डीपी बॉक्स होता है उसका ब्रेकर ऑफ कर ले। मेन हर घर में लगा हुआ है, जिद्दत का जमाना है, ठीक है? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखें, ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो दो इसकी तारें होती हैं, एक इसकी सप्लाई की तार होती है और एक इसकी जो है ना वो दूसरी तार होती है, ये मेन की तार होती है, ये मेन सप्लाई की तार है, ये मेन पंखे की सप्लाई है, ठीक है? ये पहले किसी ने देखे टेपे की नहीं है, टेपे अच्छी चीज नहीं है। आप इसको जो है ना वो करें, क्या कहते हैं, टेप करें, ये तो शॉपर इन्होंने लगाए हुआ, तो टेप करें, ये इसको ये आराम से उतार लिया, अब इसमें कोई करंट नहीं रह जाता, ठीक है? ये जो है पंखे की ये मेन सप्लाई है, ठीक है? ये जो पंखे को तार जा रही है, दो ही तारें इसको लगी होती हैं, ठीक है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसको दोस्तों उतारने का जो तरीका है वो बड़ा ही आसान है, और ये वो ये है कि आप इसको ऐसे यहाँ से बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे, नीचे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये जो है ना उतर जाएगा। आप ये देखते हैं ये उतर गया, ठीक है? तो हम इसको दोबारा ये यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है? तो इसको भी यहाँ से हमने छील लिया, ठीक है? उसके बाद ये जो पंखे से मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है, इसको भी हम जो है ना आराम से ऐसे काट लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने फैन डिमर ले लेना, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ये कोई अच्छा है, अच्छी नस्ल का ये जो फैन डिमर है, और ये इसके अंदर स्टेप बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये स्टेप है, तो ये जो इसके अंदर ना स्टेप बने हुए हैं, जिस स्टेप पे आप रखेंगे 8-10 मतलब के पॉइंट होते हैं इसके, जिस पॉइंट पे आप रखेंगे उस पॉइंट पे सेट रह जाएंगे। तो ऐसे ही आपने इसकी तारें यहाँ रख के इसको पहले फिलहाल आपने ऐसे यहाँ पे रख के ना, ये लॉक बने होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपने बस ऐसे इसको जो है ना प्रेस करना है, यहाँ प्रेस आपने करना है, और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, ये बस वहां पे आनी चाहिए जहाँ पे ये इसका वो जोर लग जाए, ये क्रिक की आवाज आएगी, इधर भी क्रिक की आवाज आएगी, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना अपनी जगह पे ये लग चुका है, ठीक है? उसके बाद हमने करना यह है कि ये जो सप्लाई है इसको हमने दोबारा इस पे लगा देना है। दो तारे हैं, ठीक है? पहले भी आपको बता चुका हूँ, दो तारे हैं, ये दो तारे जो है ना आपने इसके साथ लगा देंगे, एक तार इसके साथ लगानी है, ये जो पंखे के ऊपर से तार आ रही है, ठीक है दोस्तों? वैसे तो कनेक्टर भी लगता है, ठीक है, लेकिन अगर कनेक्टर ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं, आप जो है वो टेप लगा सकते हैं, ठीक है? ये आपने इसको जो है ना ऐसे टेप लगा देनी है, कोई करंट नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर में इजी होकर कर सकते हैं कि किसी का आप वेट करते रहे, काम छोटा सा होता है, इतने का डिमर नहीं है जितने की वो लेबर आपसे मांग लेते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पे हो गया, ये तार हमने उतारी थी दोस्तों, अब हम इसको जो है ना वो यहाँ से इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना, इस पे भी हम टेप कर देंगे। ये टेप करने के बाद हम इसको जो है इसकी जगह पे जहां से उतारा था हम वहां पे दोबारा लगा दें, ये इस पॉइंट से उतारा था दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा लूज कर लेते हैं, ये छोटा टेस्टर हो आपके पास तो ज्यादा बेहतर है, तो इसके जरिए हम इसको जो है वो लगा देंगे इसको यहाँ पे जहां से हमने ये कहा। स्क्रू जो है इसके अच्छे से टाइट करने हैं आपने ताकि कोई लूजिंग वगैरह ना रह जाए, ठीक है दोस्तों? अब इसको बिल्कुल आपने
बगैर किसी उसको खतरे के जो है ना इसको दोबारा आपने बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी इसको बंद करके इसको दोबारा आपने इस पे जो है ना इसके ये चीज के लगा देने आपने। तो ये आपने जैसे उतारा था आपने इसको वैसे लगा देना। ये जो है फुल टाइट नहीं करना आपने, ठीक है। अभी इसको पहले इस वाले को लगा लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको ऐसे लगा देना। हम दोनों को जो है बराबर रख के आप टाइट कर लें, यहां से इसको यहां से इसको। तो ये दोस्तों जैसे ही आपने उतारा था आपने वैसे इसको जो है ना वापस लगा देना है, ठीक है। ये ओपल ब्रांड की प्लेट है, तो ये जो इसका मोनोग्राम होगा वो आपने सीधा रख के इसके ऊपर बराबर रख के इसको प्रेस करेंगे तो ये लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका था। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।